हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार वर्मा। एक बार फिर से पिछले सेशन में हमने बात किया था कि हमारे डेमन प्रोसेस वगैरह कौन मैनेज करता है, दैट इज सिस्टम डी, राइट। मैंने देखा था सर्विसेज किस तरीके से रन कर रही हैं, हमें कैसे पता चलेगा हमारी कितनी सर्विसेज एक्टिव हैं, कितनी इनएक्टिव हैं। सर्विसेज के बारे में मुझे कोई डिटेल लेनी है तो मैं किस तरीके से लेता हूँ, राइट। तो ये सब हमने किया था। तो अगेन हम बात करने वाले हैं सर्विसेज और डेमन्स के बारे में। यहाँ मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से सर्विस को बंद किया जाएगा, किस तरीके से सर्विस को स्टार्ट किया जाएगा, करेक्ट। सो लेट मी जंप ऑन माय वर्चुअल मशीन। सो ये है मेरा रेल सर्वर। लेट मी सप्लाई द क्रेडेंशियल। ओके, परफेक्ट। सो इफ आई हिट द कैट एट सी ओएस हाइफन रिलीज, सो आप देख सकते हैं I am using 8.3. मैं Red Hat Linux 8.3 यूज कर रहा हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल मैं SSH सर्विस का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। सो मुझे इसका स्टेटस पता करना है। सो मेरे पास कमांड होता है सिस्टम CTL status sshd.service। अगर आप SSH भी लिखेंगे तो भी चलेगा। status Not found systemctl sshd.service. Yes. First of all, package should be install. ये install होना चाहिए। आप ये देख सकते हैं service मेरी active है और running है, correct? और जैसा मैंने आपको बताया था, जो भी process आपके machine के अंदर run करता है, system उस प्रोसेस को पर्टिकुलर एक नंबर इशू करता है, दैट इज पीआईडी, प्रोसेस आईडी नंबर। सो इसका जो प्रोसेस आईडी नंबर है वो 1194 है, करेक्ट। और आप ये देख सकते हो ये सर्विस 19 मिनट एगो, दैट मीन 19 मिनट पहले ये सर्विस स्टार्ट हुई थी और इसका स्टेटस है दैट इज इनेबल्ड, करेक्ट। और ये सर्विस जो टोटल मेमोरी कंज्यूम कर रही है दैट इज 2.3, ये 2.3 मेमोरी। अभी देखिए मैं क्या करता हूं, मैं इस सर्विस को रीस्टार्ट कर रहा हूं। अगर मैं इस सर्विस को रीस्टार्ट करूंगा तो माय डियर फ्रेंड, ऑनेस्टली द प्रोसेस आईडी विल बी चेंज, प्रोसेस आईडी चेंज हो जाएगी और ये मेरा जो प्रोसेस है इंटरप्ट हो जाएगा। देखिए सिस्टम CTL रीस्टार्ट sshd.service, करेक्ट। कैसे पता चलेगा, दोबारा स्टेटस चेक करते हैं ना। अभी देखिए 5 सेकंड एगो एंड डियर फ्रेंड नाउ यू कैन सी द प्रोसेस आईडी चेंज। पहले जो प्रोसेस आईडी थी हमारे पास वो 1194 थी एंड करंटली जो आपके पास प्रोसेस आईडी है वो 3209, राइट। आप यहां इसका स्टेटस देख सकते हैं। सो आपने सर्विस को रिस्टार्ट किया तो प्रोसेस आईडी चेंज हो गई हमारी, ठीक है, ओके। सो अगर मुझे किसी सर्विस को स्टार्ट करना है तो मेरे पास देखिए पहले मैं क्या करता हूं, इस सर्विस को बंद करता हूं। मैंने बोला सिस्टम CTL, तो मेरे पास कमांड होता है स्टॉप, सिस्टम CTL स्टॉप एंड सर्विस नेम sshd.service। अगेन इसका सर्विस स्टेटस चेक करते हैं, सिस्टम CTL स्टेटस sshd.service। ये देखिए 11 सेकंड एगो एंड व्हाट इज द स्टेटस, इनएक्टिव, दैट मींस दिस सर्विस इज डेड, ओके। सो अगर मुझे स्टार्ट करना है तो मेरे पास कमांड होता है सिस्टम CTL स्टार्ट sshd, दोबारा स्टेटस चेक कीजिए, 2 सेकंड है वो सर्विस मेरी स्टार्ट हो। चलिए और बात करते हैं। मान लीजिए मुझे इस सर्विस को अपने सर्वर पर नहीं चलाना है तो मैं क्या करूंगा, सिस्टम CTL स्टॉप sshd.service। नाउ लेट्स चेक द स्टेटस, सर्विस शटडाउन हो गई, सर्विस बंद हो गई।
बट वन मोर प्रॉब्लम इज हियर, इन एनी केस समवन इज हिटिंग रिबूट। अगर कोई मेरे सर्वर को रिबूट कर रहा है तो माय डियर फ्रेंड ये सर्विस ऑटोमेटिकली अप हो जाएगी। ये देखो मैं आपको करके दिखाता हूं, सर्विस बंद तो हो गई लेकिन जब भी कोई सर्वर को रिबूट करेगा ये सर्विस अप हो जाएगी ऑटोमेटिकली। देखिए मैं आपके सामने कोई भी वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूं इसका स्टेटस। सारी सर्विसेज वगैरह लोड हो रही है हमारी। परफेक्ट, लेट मी लॉग इन। डू फास्ट शेल दो मुझे। ओके लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट। सिस्टम सीटीएल स्टेटस ssHD.service। ये देखो सर्विस अप हो गई 53 सेकंड है वो। सो दिस इज अ प्रॉब्लम, सो सर हाउ कैन आई स्टॉप दिस सर्विस? यस, सो ऐसा कौन सा प्रोसेस है, कौन सा तरीका है कि अगर मैं अपनी सर्विस को बंद कर दूं और सर्वर को कोई रिस्टार्ट कर रहा है तो ये सर्विस अप नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मुझे SSH का एक्सेस किसी को देना ही नहीं है। हाँ देखिए क्या करना है, सबसे पहले सिस्टम सीटीएल स्टॉप SSHD.service। देन इसके बाद आपने क्या करना है, सिस्टम सीटीएल डिसेबल SSHD.service। अब ये देखिए इसका जो सॉफ्ट लिंक था वो रिमूव हो चुका है, रिमूव्ड एट सी सिस्टम डी सिस्टम मल्टी हाइफन यूजर डॉट टारगेट। ओके नाउ अभी मैं क्या करता हूं, आपको स्टेटस चेक करा देता हूं। सिस्टम सीटीएल स्टेटस SSHD, ये देखिए सर्विस इज डेड, राइट, बिल्कुल डेड है। और मैं सर्वर को करता हूं अगेन रिबूट। ठीक, चलिए देखते हैं अभी सर्विस हमारी अप है या डाउन है। सिस्टम सीटी सॉरी टाइपो सिस्टम सीटीएल स्टेटस SSHD.service अप नहीं हुई ना, दिस इज द आइडिया। इस तरीके से आप किसी भी सर्विस को परमानेंटली ऑफ कर सकते हैं, एक प्रोसेस तो है। अगर मुझे ये सर्विस अप करनी है सो कैसे करूंगा, सबसे पहले क्या करना है, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट SSHD.service। अब स्टेटस चेक करो, सिस्टम सीटीएल इनेबल SSHD.service, करेक्ट,
मैंने इनेबल कर दिया सर्विस को, तो परमानेंटली इनेबल रहेगी। अभी स्टेटस चेक कर लेते हैं। राइट, जब आपने सर्विस को इनेबल कर दिया तो अगर आप रिबूट भी देते हैं ना, तो ये सर्विस ऑटोमेटिकली अप आएगी आपकी मशीन। अगर आप डायरेक्ट सर्विस को स्टार्ट करते हैं और इनेबल हिट नहीं करते हैं और आपने सर्वर को रीबूट कर दिया, तो सर्विस अप नहीं होगी, क्योंकि आपको सर्विस को इनेबल करना पड़ेगा। ये कमांड आपको रन करनी पड़ेगी। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूं, रीबूट। ओके, लेट्स चेक सिस्टम सीटीएल स्टेटस एसएसएचटी, करेक्ट, सर्विसेज रनिंग। तो इस तरीके से आप अपनी सर्विस को इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं परमानेंटली। राइट, सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड ऑफ दिस। आई होप ये आपके समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच।